चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया कोटा में सेकेंड राउंड के लिए 8 न्यू कॉलेजेस ऐड हो गई हैं और इन 8 न्यू कॉलेजेस में टोटल जो सीटें हैं वो 900 सीट्स हैं। हर एक कॉलेज में 100 सीट्स हैं और दो कॉलेज ऐसी पुरानी कॉलेज हैं जिसमें 50 सीटों की और बढ़ोतरी हुई है। इसलिए ऑल इंडिया कोटा की जो 15% की सीटें हैं वो 135 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। इस वीडियो में मैं आपको उन कॉलेजेस के नाम भी बताऊंगा, साथ में इस डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सीट ऐड होने से कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी। तो सबसे पहले हम एमसीसी का वो नोटिस देख लेते हैं जिसने डेट एक्सटेंड किया है सेकंड राउंड के लिए। तो इस नोटिस में क्लियर लिखा है कि जो नई कॉलेजेज ऐड हुई हैं उनके लिए फर्दर ऑर्डर के लिए ये डेट एक्सटेंड की जा रही है। हालांकि इसकी कोई कट ऑफ नहीं दी गई इस डेट की कि इस तारीख तक है, ये फर्दर ऑर्डर तक ये डेट है अभी। तो आप ये च्वाइसें फिल कर सकते हैं, ये कॉलेज इसमें ऐड कर सकते हैं। जो कॉलेज हैं वो यूपी के 5 कॉलेज हैं, यूपी के 5 कॉलेज हैं और राजस्थान के इसमें 3 कॉलेज हैं। राजस्थान के इसमें टोटल 3 कॉलेज हैं, सवाईमाधोपुर, नागौर और बांसवाड़ा। तो ये टोटल 8 कॉलेजेज हैं जहाँ ऑल इंडिया कोटा के लिए 135 सीट्स का इजाफा हो चुका है। अब हम बात करें कि कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी। तो जब 135 रैंक का इजाफा होता है जहां पर, तो कट ऑफ 450 से 500 रैंक डाउन तक जाती है। यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की ही मैं बात कर रहा हूं, एससी एसटी की तो ज्यादा डाउन जाएगी, लेकिन इन तीन कैटेगरी की 500 कट ऑफ डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगी वो 651 के कुछ स्टूडेंट को भी कॉलेज मिल जाएगी। पहले मैंने ये कट ऑफ 652 बताया था, लेकिन सेकंड राउंड में ये सीटें अचानक आने से 651 के कैंडिडेट को भी इसमें सीट मिल जाएगी। लास्ट राउंड तक इसमें 651 के कुछ स्टूडेंट को सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है यहां पर। तो ये जो लास्ट कट ऑफ रहेगी, ये कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं कि 25,000 कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा 25,000 रैंक कवर हो जाएगा। हो सकता है आगे 25,000 से 25,200 तक या 300 तक भी कवर हो जाए आगे, लेकिन 2,000 यानी कि 25,000 तक कवर होने की तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है लास्ट राउंड तक। अगर हम और सिचुएशन माने कि स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में चले जाते हैं या फिर स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में कम जाते हैं, स्टेट कोटा में चले जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं 25,800 तक कॉलेज मिल सकती है। 25,800 तक लास्ट राउंड में, स्ट्रे राउंड में ये सीट मिल सकती है यहाँ पर ये कॉलेजेज ऐड होने से, क्योंकि ये कॉलेजेज उन स्टेट में ही आई हैं जो स्टेट हाई रैंक वाले हैं। जैसे राजस्थान स्टेट में 3 कॉलेजेज आई हैं, तो राजस्थान स्टेट कोटा से भी इन कॉलेजेज में स्टूडेंट जाएंगे और यूपी स्टेट में भी कॉलेज आई हैं। तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि हाई स्टेट, हाई रैंक वाले स्टेट में अगर कॉलेजें आती हैं तो रैंक डाउन जाने की पॉसिबिलिटी रहती है ऑल इंडिया की भी। तो ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।